यहाँ से गाड़ियाँ भी नहीं जा पा रही आगे, और आगे देखिए आगे बहुत भयंकर गधेरा आ रखा है, और यहाँ पे यात्री लोग भी फंस चुके हैं। आस पास मत जा। और यहाँ पे एक बांस का पेड़ भी था, वो भी चला गया नीचे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत खतरा हो चुका है, और यहाँ तक पहुँच चुका है अपोलो हाउस। ये रहा दोस्तों, आज सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तेजू कुशाई ब्लॉग में। आज सभी ठीक होंगे तो मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्ट अभी सुबह के 7:30 बजे से हो रही है, और आम मौसम बहुत भयंकर हो रखा है। कल रात से यहाँ बहुत तेज वाली बारिश आ रही है, और नदी और नाले बहुत तूफान पे है। तो अभी तो यहाँ पे कोहरा भी लग चुका है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज। तो आज के मौसम को देख कर तो बहुत डर भी लग रहा है, और अभी मुझे अपने मुर्गे फार्म में भी जाना है, अपने बैलों को घास भी देना है। आज मुझे लग रहा है कि दिन भर मौसम ऐसे ही रहेगा। तो अभी मैं और आंसू जा रहे हैं अपने मुर्गे फार्म में, और आज आंसू खुश हो गया कि इसकी स्कूल की छुट्टी है। तो आंसू तैयार भी हो चुका था स्कूल के लिए, तब तक मैसेज देख लिया हमने व्हाट्सएप पे कि आज स्कूल की छुट्टी है। तो अब निकलते हैं हम, और अभी भी बहुत भयंकर वाली बारिश लगी है, तो मेरा भी अच्छा हो जाएगा यार, मेरा टाइम पास हो जाएगा आंसू के साथ। और आप यहाँ रास्तों में देख सकते हो, रास्तों में भी बहुत भयंकर वाला पानी आ रहा है, पर इस बारिश से एक काम हो गया कि रास्ते साफ हो चुके हैं बिल्कुल। यहाँ पे पन्नी वालों ने अपने भैंस भी निकाल रखे हैं, और ये भी बारिश में नहा धो के चमक रहे हैं यहाँ पर। और जो आपको ये पौधे दिखे दे रहे हैं, हल्दी के पौधे हैं यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पे देखे छोटे छोटे गधेरों में भी कितना भयंकर पानी आ रहा है यहाँ पर, और जिनमें कि बिल्कुल भी पानी नहीं आता है, और आज इतना भयंकर पानी आ रहा है। और नीचे देखिए, और इधर चलता है, और कभी तो इतने भयंकर बाढ़ आती है इन गधेरों में भी। चल आसे, चल 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 फटाफट। और यहाँ देखिए, यहाँ रास्ते में भी बहुत मोटा पानी आ रहा है। तो अभी हम सड़क में पहुँच गए, और सड़क में भी बहुत भयंकर वाला पानी आ रहा है। दोस्तों अभी हम अपने मुर्गे फार्म के रास्ते में पहुंच चुके थे, और जहाँ से हमारे मुर्गे फार्म के लिए रास्ता जाता है, यहाँ पर जो इसके कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं, तो हम तो इस रास्ते भी जा नहीं सकते, यहाँ पे खतरे तो हमें इस रास्ते जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके ऊपर से पत्थर आ रहे हैं छोटे छोटे, मुझे लग रहा है ये काफल का पेड़ भी आ सकता है नीचे। तो यहाँ पे रहना भी खतरे से खाली नहीं है। अगर दोस्तों दिन भर ऐसी बारिश है कि पता नहीं क्या क्या होगा। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो पूरे खेतों में पानी भर चुका है, और यहाँ पर गोबर का ढेर था जो कि पानी बहा के ले गया। तो दोस्तों आज यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे मुल्क फॉरम के पीछे से भी कितना तेज पानी आ रहा है। तो यहाँ पे अब कुछ भी अच्छा ना है, अगर बारिश देखी नहीं तो पता नहीं क्या क्या करेगा यार, तो पानी पानी हो रखा है। तो आप तो डर लगने लग गया, और पीछे देखिए हमारे गौशाले के पीछे लैंडस्लाइड भी हो गया छोटा सा। तो पता नहीं है छोटे छोटे लैंडस्लाइड का बड़े लैंडस्लाइड बन जाएंगे। तो आप मैं अपने बैलों को घास देता हूँ यहाँ पर।
तो दोस्तों इतना पानी तो यही आ रहा है जान नदी दो नगदेरे थे और इस तरफ के लिए बहुत नदी गदेरे है। पता नहीं उस साइड के लिए क्या हालत होंगे, कोहरे के वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इधर उधर। और यहाँ से हमारे पोलियो हाउस भी जाने वाला है नीचे। तो दोस्तों अभी मैं कमरे में बैठ चुका हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ बादल फट चुका होगा। ऐसी जगह जगह से पानी आ रहा था, जहाँ से पानी भी नहीं आता है वहां से तक इतना मोटा पानी आ रहा ना, और ये सब पानी नीचे गदेरे में जाएगा, फिर नीचे वाले इलाकों में करेगा तबाही। ऊपर तो कम कम ही होगा हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं और से गदेरे नहीं आते, सिर्फ हमारे गांव के जंगल से गदेरे बनते हैं और छोटे गदेरे हमारे यहाँ। बस नीचे के साइड बहुत बड़े बड़े गदेरे हैं, जैसे हो गया कुमाऊं के इलाके, हो गया डेघाट, हो गया सियालदेह, हो गया यहाँ मतलब बहुत भयंकर तबाही आ सकती है जब यहाँ की भयंकर बारिश आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे छत भी टपक रही हमारी, ये देखिए यहाँ से पानी टपक रहा है और इधर से भी टपक रहा है पानी, जगह जगह से पानी टपक रहा है, इधर से भी टपक रहा है पानी। कल तक तो नहीं टपक रहे थे, पर आज पता नहीं क्यों टपक रहे इतना पानी, ज़्यादा तेज बारिश आने के कारण। और यहाँ पे टपक रहा है पानी और यहाँ पे करंट का खतरा भी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बाइक रखी हुई है और यहाँ से भी लैंडस्लाइड होने लगे थोड़ा, यहाँ पे हो रखा है थोड़ा यहाँ पर। तो मेरे पास तो अभी एक ही बाइक की चाबी है, तो हो सकता है दोनों बाइकों को मैं इधर निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ से पेड़ गिरेंगे तो बाइकों पर नुकसान आ सकता है। भाई भी आ चुका अपनी बाइक की चाबी लेके, तो आप हम इन बाइकों को लेके ऊपर चलेंगे। यहाँ देखे कदेरे कितने उफान पे आ रखे है, Oh my God। दोस्तों यहाँ पर सड़क में भी बहुत भयंकर गदेरे आ रखा है, वो पर इतना बड़ा भी नहीं आ रखा है अभी, उसको हम पार कर सकते हैं अभी। और इधर भी देखे रास्तों में पानी ही पानी इस साइड के लिए, और ऊपर वाला गदेरा देखे। दोस्तों मैं आपसे अभी आगे वाले गदेरे में दिखाएंगे आपको जो बड़ा वाला गदेरा है। तो हम यहाँ से फटाफट चलते हैं क्योंकि पानी तेज ज़्यादा जा रहा है। आसो आराम से चल, हड़पुड़ी मत कर, ऐसे गाड़ियाँ भी नहीं जा पा रही आगे। और आगे देखिए आगे बहुत भयंकर गदेरा आ रखा है और यहाँ पे यात्री लोग भी फंस चुके हैं। और बेटे कितना भयंकर आ रखा है यहाँ, तो आगे जाने में यहाँ बहुत डर लग रहा है। और नीचे देखिए तो अभी हम आगे नहीं जा सकते, आगे बहुत ही भयंकर बाढ़ आ रही है। तो ये इतना कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें हमें अपने आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। रियल बहुत डेंजरस लुक है यहाँ पे, और आगे इससे भी बड़ा गदेरा है, यहाँ से भी भयंकर बाढ़ आती है, तो हम इससे आगे नहीं जा सकते आप। तो वही झरना है जिसकी वीडियो में बहुत बार बनाते हो, जो बहुत भूत खड़ा लगता है, और जब ज़्यादा बारिश आती है तो ये बहुत भयंकर हो जाता है। तो यहाँ पर नदी तेज होती जा रही है और आप देख सकते हैं नदी का पानी बढ़ता जा रहा है अभी।
हाँ तो पास मत जा, पीछे के ले आ। और यहाँ पे गाड़ियाँ इधर उधर नहीं जा पा रही है, तभी इधर से गाड़ियाँ नहीं आ पा रही है। और साइड के लिए तो और भी बड़े बड़े गधेरे हैं। तो दोस्तों मैं और आसू घर चलते हैं, क्योंकि यहाँ रहना अब सेफ नहीं है। तो दोस्तों हमारे पॉली हाउस थोड़ा सा बचा हुआ है, हम अभी आपको दिखाते हैं बस। और बारिश अभी भी कंटिन्यू लगी इतनी मोटी। और यहाँ पर एक बांस का पेड़ भी था, वो भी चला गया नीचे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत खतरा हो चुका है और यहाँ तक पहुँच चुका है। और पॉली हाउस ये रहा, हमारा पॉली हाउस भी जा सकता है नीचे, और नीचे ये बांस का पेड़ जा रखे। तो दोस्तों अभी हम अपने गौशाला में बैठे हुए हैं और बारिश कंटिन्यू लगी है। तो मैं अपनी वीडियो को भी यहीं पर एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको अभी आगे भी वीडियो बनाऊँगा मैं कि बारिश के बाद क्या क्या हो रहा है गाँव में, और गाँव की वीडियो भी बनाऊँगा कि गाँव के क्या हाल चाल है।